तो गाइस सर आप देख सकते हो मैं एक बहुत ही ज्यादा छोटा और बिना पावर वाला वुल्फ हूँ। और गाइस सर अभी मेरी पूरी की पूरी फैमिली खतरे में है। अरे मेरे बच्चे बचा ले मुझे, मैं मर जाऊंगा बच्चे। अरे मैं मर जाऊंगी, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे बचा लो। तो मेरी यहाँ पर पूरी वुल्फ फैमिली आप देख सकते हो बहुत ही बड़े खतरे में। ये जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो धीरे धीरे टूटने वाला है, और अगर ये टूट गया तो मेरी पूरी वुल्फ फैमिली सीधा नीचे जाकर गिरेगी और फिर इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। मेरे वुल्फ पापा, वुल्फ मम्मी और वुल्फ गर्लफ्रेंड तीनों के तीनों मर जाएंगे। पर मुझे कैसे भी करके इनको बचाना है। ए वुल्फ मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपने घर वालों को बचाना है तो तुम्हें उन तक जंप करना पड़ेगा। तुमको जंप करके उन सभी को बचाना पड़ेगा। क्या तुम उधर तक जंप कर सकते हो? क्या इतना दूर जंप करना पड़ेगा? रुको ट्राई करते हैं। और ये क्या, मैं तो सीधा नीचे जा रहा हूँ। अरे कैसर मैं इतना बड़ा जंप तो नहीं कर सकता, अब क्या करेंगे? बच्चे मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी जंप करने की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा और खतरनाक वुल्फ में। तो अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी अपग्रेड हो जाओ। अपग्रेड वो कैसे होगा? मुझे नहीं पता अपग्रेड कैसे होते हैं। मैं बताता हूँ, तुम्हें खाना पड़ेगा ये वुल्फ, तुम्हें खतरनाक वुल्फ खाने पड़ेंगे तभी तुम्हारा जंप मीटर बढ़ पाएगा। अरे ये वुल्फ कहाँ मिलेंगे मुझे? बच्चे अलग अलग चैलेंज करने पर अलग अलग वुल्फ मिलेंगे, पर पहला अपग्रेड मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तुम फटाफट से ये वुल्फ खा लो और तुम अपग्रेड हो जाओगे। अच्छा ठीक है, तो कैसर अभी हमें ये वुल्फ खाना है ताकि हम अपग्रेड हो पाए, तो लेट्स गो फटाफट से इसको खा लेते हैं। और कैसर अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में। मैं तो एक पहले बेबी वुल्फ था पर अब मैं एक खतरनाक सा वुल्फ बन चुका हूँ। लगता है मैं उधर तक आराम से जंप करके पहुंच जाऊंगा। लेट्स गो, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया, मैं तो अभी उधर तक नहीं पहुंच पाया, मुझे और भी ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो। मेरा बेटा मुझे जरूर बचाएगा, मुझे पूरा विश्वास है बेटा। तो कैसर मैंने तो सोचा था ये वुल्फ काफी रहेगा उस खतरनाक से जंप को करने के लिए, पर अभी भी हम कमजोर वुल्फ हैं, हमें और भी ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा, उसके लिए और भी बहुत सारे वुल्फ को खाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अलग अलग चैलेंज करते हैं और वुल्फ खाते हैं ताकि हम अपने फैमिली वालों को बचा सके एक बड़ा सा जंप करके। लेट्स गो। तो कैसर हमें अपग्रेड होने के लिए एक खतरनाक सा वुल्फ खाना पड़ेगा। तो वो जो कुत्ते वाले होते हैं वो तो हमने खा लिए, तो अब हम वो खाएंगे तो हम अपग्रेड नहीं होने वाले, हमें उससे खतरनाक वुल्फ चाहिए। तो कैसर मुझे पता चला है इस पुलिस स्टेशन में एक वुल्फ को जेल में बंद करके रखा है, तो कैसर मुझे कैसे भी करके उस जेल तक पहुंचना है, पर वहां पर कैसे पहुंचे मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा पुलिस होने वाली है। तो कोशिश करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की चुपचाप से बिना दंगा किए, वरना अगर पता चल गया तो अभी मैं बहुत ही कमजोर हूँ, ये पुलिस वाले मुझे ही मार देंगे। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं चुपचाप से। अभी आप देख सकते हो ये पुलिस वाला उस तरफ देख रहा है, इसलिए हमें यही टाइम है अंदर घुस जाने का। लेट्स गो फटाफट से अंदर घुस जाते हैं। अरे मेरी फाइल कहाँ चली गई? आपकी फाइल आपको कभी नहीं मिलेगी। एक सेकंड, उस गेट से कोई आ रहा है, यहाँ पे छुप जाता हूँ फटाफट से। तो गाइस सर अभी हम इस ऑफिस के अंदर छुप चुके हैं और हमें अरे यार ये क्या, यहाँ पर तो एक पुलिस वाला खड़ा है। आज तो मैं पूरे लॉस सेंटर्स में सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो कैसर जल्दी जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ पर तो हर जगह पुलिस वाले, मुझे जेल की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, मतलब इधर ही होंगे। यहाँ पर है क्या? हेलो, भागो यहाँ से। तो कैसर हम कैसे भी करके बचते बचाते यहाँ पर आ चुके। ये क्या, ये कौन है? तेरी ऐसे के तैसे ये ले। तो कैसर अभी आप देख सकते हो इस टकले पुलिस वाले को हमने यहाँ पर मार दिया, लगता है आराम से बैठ के कॉफी पीना था। और अभी हम जेल सेल्स के यहाँ पर घुस चुके हैं और यहाँ पर एक और टकला है, इसको भी मार देंगे। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मारपीट करने वाला हूँ, पर यार इतने सारे पुलिस वाले थे तो मारना पड़ गया एक दो को। तो कैसर अभी हम यहाँ पर जेल में आ चुके हैं, फटाफट से ढूंढते हैं कहाँ पर है वो खतरनाक सा वुल्फ। वुल्फ और ये ना कैसर अभी यहाँ पर मुझे वुल्फ मिल चुका है, ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अबे मेरी बात सुन, आज से तुझे जेल में रहने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बेल करा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आज तुझे जेल में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुझे अभी खाने वाला हूँ। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में। ऐसा वुल्फ तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है। एक सेकेंड, मैं इधर से डायरेक्ट बाहर आ गया।
अगर मुझे पहले पता होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जाके जेल में चला जाता। फालतू में पुलिस वालों का झंझट पाला। पर कोई बात नहीं, अभी गाइस और आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं खतरनाक से वुल्फ में। और मुझे लगता है ये वुल्फ बहुत बड़े बड़े जंप करके हमारी फैमिली को बचा सकता है। तो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं हमारी फैमिली को बचाते हैं। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम फिर से आ चुके हैं अपनी फैमिली को बचाने। अरे बेटा हमें जल्दी बचा लो, ये प्लेटफॉर्म तो बस गिरने वाला है, हम तीनों मर जाएंगे। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो वो प्लेटफॉर्म तो पूरा का पूरा टेढ़ा होने लग गया है। अगर मैंने जल्दी नहीं करी तो मैं हार जाऊंगा और मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पाऊंगा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस डंडे से कूदने वाला हूँ ताकि मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ, ये थोड़ा सा पास होने वाला है। तो गाइस सर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख दो गुड लक वुल्फ, क्योंकि गाइस आपके बिना गुड लक के हम उधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना और हम यहाँ पर कूदने वाले 1 2 3। नहीं यार मैं अभी भी नहीं पहुंच पाया। अरे कैसर ये क्या हो गया, मुझे लगा था इस बार हम पहुंच पाएंगे पर इस बार भी हम नहीं पहुंच पाए, मतलब अभी हमें और अपग्रेड होना पड़ेगा। तो कैसर मुझे लगता है आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए हम उधर तक नहीं पहुंच पाए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो जंप इन 2000 ताकि हमारा जंप जल्दी जल्दी पड़ जाए और अपनी फैमिली को बचा पाए। हमें कैसे भी करके अपनी फुल फैमिली को बचाना है तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हम चलते हैं अपग्रेड होने। तो गाइस अभी आप देख सकते हो उस वुल्फ में अपग्रेड होने के बाद हम जा रहे हैं अगले वुल्फ में अपग्रेड होने के लिए। अब आप सोच रहे कि हम सबमरीन में क्या कर रहे हैं, तो मुझे पता चला है कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक वुल्फ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी लैब में। तो गाइस अभी हम उनकी लैब में जाके उस खतरनाक से वुल्फ को खाने वाले हैं। जी हाँ, उस वुल्फ को खाके हम लोग होंगे अपग्रेड। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं सबमरीन भी लेकर आ चुका हूँ ताकि हम उस लैब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सके। तो चलो यार फटाफट से रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पर हमने टॉर्च भी चालू कर दिया और ये क्या रास्ता तो मुझे यहाँ पर मिल भी चुका है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें रास्ता मिल चुका है। मुझे लगता नहीं इसके अंदर सबमरीन हमारी जाने वाली है इसलिए मुझे स्विमिंग करके जाना पड़ेगा। मुझे लगा था डायरेक्ट सबमरीन में पहुंच जाएंगे पर यहाँ पर हमें स्विमिंग करके जाना पड़ेगा ये सीक्रेट रास्ते से जो कि हमें लेके जाने वाला है उन लैब्स में। और गाइस उन लैब्स में से उन साइंटिस्ट से मैं वो वुल्फ छीन के खा जाऊंगा और फिर हम अपग्रेड होने वाले एक खतरनाक से वुल्फ में। चलो चलो फटाफट से चलते हैं और अपग्रेड होते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो स्विमिंग करते करते हम लोग आ चुके हैं फाइनली उनके लैब्स के स्विमिंग पूल में। उन्होंने लैब में स्विमिंग पूल क्यों बना रखा है पता नहीं, जो भी उनका वायरस होता है ना वो इस पानी में फेंक देते हैं। तो गाइस अभी हम इधर से स्विमिंग करते करते आ चुके हैं बाहर, फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। इस खतरनाक सी लैब में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अब हमें जाके उन साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस खतरनाक से वुल्फ के साथ। तो लेट्स गो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम इन लैब्स में आ चुके हैं और इधर तो नो एक्सेस लिखा हुआ, मतलब हम जा नहीं सकते। हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हो। तो फटाफट से देखते हैं हमें कहाँ पर मिलने वाले हैं वो लोग। यहाँ पर भी नो एक्सेस है, लगता है लिफ्ट में ही जाना पड़ेगा। तो कैसर हमें इस लिफ्ट ने हमें दूसरे फ्लोर पर ला दिया है। और कैसर यहाँ पर लिखा हुआ है लेबोरेटरी टेस्ट चैम्बर, मतलब यहाँ पर टेस्ट होते हैं खतरनाक। तो अभी हमें यहाँ पर फटाफट से ढूंढना चाहिए कहाँ पर वो हमें वुल्फ मिलने वाला है। चलो फटाफट से ढूंढ, यहाँ पर तो ऑपरेशन सेंटर बना रखा खतरनाक सा, कहीं आसपास ही वो लोग होंगे। कहाँ पर हो तुम लोग? अरे कैसर यहाँ पर भी खतरनाक चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं पर वो वुल्फ नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ पर है वो सब मुझे समझ रहा। एक सेकंड, ये क्या पूरे सारे के सारे साइंटिस्ट और वहाँ पर मुझे एक वुल्फ भी दिखाई दे रहा है, उसके बड़े बड़े हाथ दिखाई दे रहे हैं। चलो यार चुपचाप से धीरे धीरे यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। और कैसर आप देख सकते हो मैं बिल्कुल सही जगह पर आया, यहाँ पर वो सारे के सारे साइंटिस्ट और वो वुल्फ भी है। तो हमें उस वुल्फ को बस खाना है और फिर हम अपग्रेड होने वाले हैं। तो उससे पहले मुझे इन साइंटिस्ट का काम लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से स्मोक ग्रेनेड निकाल के सारे स्मोक ग्रेनेड्स फेंक देते हैं। यहाँ पर हम सब जगह स्मोक ग्रेनेड फेंक देंगे ताकि इनको कुछ दिखाई ना दे। ये लो, हर जगह धुआं होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद हम ये बैट लेके इन सभी को मार देंगे। और ये क्या, ये तो धुएं से ही मर गए। ये वुल्फ मरना नहीं चाहिए, हमें उस
सबसे पहले इसको खाना पड़ेगा। आप देख सकते हो अभी मैं बन चुका हूँ एक खतरनाक सा वुल्फ। ऐसा वुल्फ आपने कभी नहीं देखा होगा और मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अब तो मैं अपनी पूरी फैमिली को बचाने वाला हूँ। उससे पहले मुझे ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा। रास्ता कहाँ पे यहाँ से बाहर जाने का? ये रहा। तो कैसा अभी आप देख सकते हो हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वुल्फ बन चुके हैं और मेरी शक्तियां भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी मैं ये गाड़ियां उठा उठा कर फेंक सकता हूँ तो मुझे लगता है मैं वो जंप तो आराम से कर ही लूंगा और अपनी पूरी फैमिली को हम बचा लेंगे। तो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं, अपनी पूरी फैमिली को बचाते हैं। और हाँ, मैं इस ट्रेन से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। रुक जाओ, अभी आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेन को भी हम डीरेल करने वाले हैं। ये ले। और ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर गिर चुकी है। हमारी शक्तियां तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, अपनी पूरी फैमिली को बचाते हैं। अरे मेरे बेटे, ये तो बहुत ही तेजी से खिसक रहा है। अगर तूने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम मर जाएंगे। अरे वो प्लेटफॉर्म तो सही में बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुका है, पर आप टेंशन मत लो, अब मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वुल्फ बन चुका हूँ। अब तो मैं पक्का उधर पहुंच ही जाऊंगा। तो गाइस जल्दी जल्दी अभी हम यहाँ पर जंप करके अपनी पूरी फैमिली को बचाने वाले हैं। पर उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी लाइक करके कमेंट में गुड लक वुल्फ लिखना है, तभी अपनी फैमिली को जल्दी से बचा पाएंगे। तो जल्दी जल्दी लाइक करके कमेंट में गुड लक वुल्फ लिख देना और यहाँ पर फटाफट से जंप करते हैं। और ये मैं पहुंच गया। ये क्या, मैं तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, पर यहाँ पर अभी मैं वापस से नीचे गिर चुका हूँ। कैसर, मुझे लगा था इस बार तो मैं पक्का पहुंच ही जाऊंगा, पर हम फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर रह चुके हैं। तो मुझे लगता है हमें एक और बार अपग्रेड होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये फाइनल अपग्रेड होने वाला है क्योंकि इसके बाद अपनी फैमिली के पास हम पहुंच ही जाएंगे। अभी सिर्फ 10 या 15 सेंटीमीटर रह गया था। अगले अपग्रेड में कुछ नहीं रहने वाला, हम अपनी फैमिली को बचा लेंगे। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं अपग्रेड होने। तो गाइस सर, अभी हम एक एक खतरनाक सा वुल्फ बन के तो गए थे पर अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए क्योंकि अभी हमारा जंप अभी भी कमजोर है। पर अब हम आ चुके अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर और इस ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर हम एक खतरनाक सा वुल्फ बनाएंगे जो कि रियल लाइफ में आ जाएगा और रियल लाइफ में आने के बाद वो होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ। तो चलो यार फटाफट से बनाते हैं। तो गाइस सर जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो गुड लक टू वुल्फ और अपन फटाफट से ड्राइंग शुरू करते हैं। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस खतरनाक से ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर और इस पर हम एक ऐसा खतरनाक वुल्फ बनाने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और उसकी जंप करने की पावर भी बहुत ही ज्यादा हो। तो फटाफट से उसको यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम उसका फेस बनाने वाले हैं। उसका फेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पर उसका फेस बन चुका है, मतलब फेस तो यहाँ पर बनेगा, ये ऊपर की बॉडी है उसकी। तो यहाँ पर फटाफट से उसकी बाकी की बॉडी बनाते हैं, फिर उसका फेस बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे उसके लंबे लंबे हाथ और इसको फटाफट से अंगुलियां बना देते हैं और ये इसका लंबा सा हाथ यहाँ पर हो गया है कंप्लीट और बड़े बड़े नाखून भी होने वाले हैं क्योंकि वुल्फ के नाखून तो होते ही। तो फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं और दूसरा हाथ भी यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर बन चुका है दूसरा भी हाथ, यहाँ पर बन गया और ये भी डन। इधर भी खतरनाक खतरनाक नाखून दे देते हैं, ये भी डन। अब फटाफट से इसकी बाकी की बॉडी बनाई जाए। ये वुल्फ सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनने वाला है। अभी आपको ये नॉर्मल सा वुल्फ लग रहा होगा पर जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है तब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगेगा। तो फटाफट से कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला पैर कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर दूसरा पैर भी बना देते हैं, ये भी डन। अब इसके फटाफट से नाखून दे देते हैं पैर में भी। तो यहाँ पर भी हमने खतरनाक इविल नाखून दे दिए, ये भी डन। और इसके यहाँ पर पूंछ भी निकाल देते हैं फटाफट से, ये पूंछ भी यहाँ पर बन चुकी है। तो गाइस सर अभी देख सकते हो अभी लगभग हमने पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। अब इसका फटाफट से फेस बनाते हैं। फेस में सबसे पहले बड़े बड़े कान हम इसको दे देंगे और इसका मेन जो फेस है उसको भी बना देते हैं क्योंकि बाकी जगह तो बाल ही बाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका बीच में बनने वाला है फेस, यहाँ पर हम देंगे इसको आंख, यहाँ पर भी आंख और यहाँ पर बनेगी इसकी बढ़िया सी नाक एकदम वुल्फ वाली और इसका मुंह बनने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इसका यहाँ पर खतरनाक सा मुंह भी बन चुका है। उसके अंदर हम बड़े बड़े खतरनाक दांत भी बना देंगे। तो ये भी यहाँ पर होता है डन। तो गाइस सर यहाँ पर दांत भी बन चुके हैं, वुल्फ हमारा पूरा का पूरा रेडी है, बस इसमें कलर करना बाकी है। उससे पहले एक और चीज हम यहाँ पर करने
होने वाले हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से ये पूरे के पूरे फेस में हम इसके करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे इसके पूरे के पूरे फेस में ये होने वाला है। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि हमारा वुल्फ हो जाए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से इसके अंदर कलर करते हैं। सबसे पहले हमारा वुल्फ पूरा का पूरा गोल्डन कलर का होने वाला है, तो सारा का सारा गोल्डन इसको कर देते हैं। और इसका फेस भी गोल्डन होने वाला है और इसके कान भी। तो अब चलते हैं अपन अगली चीजें करते हैं। इसके दांत में बंद करने वाले पूरा का पूरा लाल कलर ताकि ये लगे और भी ज्यादा खतरनाक। तो लाल कलर भी यहाँ पर हो चुका है। अब हम लेंगे बाकी के सारे कलर जो कि इसके पूरे फेस में होने वाले, जैसे कि हम लेंगे ग्रीन कलर और थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पर ग्रीन। उसके बाद येल्लो कलर लेके थोड़ी बहुत जगह येल्लो कलर भी कर देंगे, यहाँ पर येल्लो। उसके बाद पिंक कलर लेके भी यहाँ पर पिंक कर देते हैं। बाकी के सारे कलर लेके जल्दी जल्दी पूरे के पूरे इसके फेस में भर देते हैं ताकि एकदम रंग बिरंगा कलर इसके अंदर फैल जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर भी ले लेंगे, उसके बाद हम डार्क ब्लू ले लेंगे। जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है। बस आप देखते रहना, यहाँ पर येल्लो लेके इधर कर देंगे। और गाइस यहाँ पर इसका पूरा फेस भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी पूंछ में भी यही सेम चीज करने वाले हैं। अलग अलग रंग बिरंगे कलर इसकी पूंछ में होने वाले। तो फटाफट से पहले ऑरेंज, फिर गोल्डन, फिर येल्लो, फिर ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पर्पल और ये ब्राउन। तो गाइस यहाँ पर ये भी डन हो चुका है। फटाफट से ब्रश चेंज करके अब यहाँ पर लेने वाले हैं ब्लू कलर और इसको बाकी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कर देंगे। ग्रीन भी ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी बॉडी में लगना चाहिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और यहाँ पर लाइट ब्लू लेके इसके भी इधर भी कर देंगे। तो गाइस हमारा वुल्फ लगभग रेडी हो चुका है। ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है जब ये रियल लाइफ में आ जाएगा। तो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं, उससे पहले इसकी हम पावर भी बढ़ाने वाले। तो फटाफट से यहाँ पर लिखते हैं पावर इंटू 1000 और जंप इंटू 1000, क्योंकि जंप भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जंप इंटू 1000 भी लिख दिया। तो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं। और गाइस ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने, ज्यादा खतरनाक है। और इसकी पावर्स तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इसका जंप चेक कर लिया जाए, ये जंप तो इसका बड़ा है, पर देखते हैं क्या ये जंप इतना बड़ा है कि हमारी पूरी फैमिली को बचा ले, वो तो अभी पता चलने वाला है। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं और इस वुल्फ को टेस्ट करते हैं। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ है, तो ये अपनी फैमिली को बचा ही लेगा। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी वो प्लेटफॉर्म तो लगभग बस पूरा का पूरा सीधा स्ट्रेट होने वाला है। अगर वो स्ट्रेट हो गया तो हमारी पूरी फैमिली नीचे गिर जाएगी। हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, पर अभी मैं इस खतरनाक से वुल्फ में अपग्रेड हो चुका हूँ, तो अब तो मैं आराम से उधर तक पहुंच जाऊंगा। ये ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड वाला वुल्फ सही में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो लेट्स गो, फटाफट से तैयार हो जाते हैं यहाँ पर जंप करने के लिए। और आपको पता है आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर दे। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो गुड लक वुल्फ। अभी तक बहुत सारे जनों ने नहीं लिखा, इसलिए हम बार बार हारते जा रहे हैं, हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। तो आप सभी को एक साथ कमेंट में गुड लक वुल्फ लिखना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। और अपन चलते फटाफट से जंप करते हैं और ये हम पहुंचने वाले। और ये पहुंचे, अरे ये क्या, इस बार तो मैं पूरा का पूरा वहां पर टकरा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से टकरा कर नीचे गिर गया। अब इससे खतरनाक वुल्फ कहां से आएगा। वुल्फ हमें बचा लो, अभी तो हमें शादी भी करनी है, हमारे बच्चे भी होंगे, वुल्फ हमें बचा लो। तो गाइजर हमें कुछ भी करके एक और खतरनाक वुल्फ लाना पड़ेगा। मुझे लगा था ये सबसे खतरनाक वुल्फ है, पर नहीं, अभी हमें एक और बार उड़ना पड़ेगा। इस बार हम प्लेटफॉर्म से टच होके वापस आ गए, पर अगली बार हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके अपनी पूरी फैमिली को बचाने वाले हैं। तो चलो फाइनल अपग्रेड पर। तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में जो भी जीतेगा मैं उनको अपग्रेड करूंगा। ये चैलेंज कौन जीतेगा, वुल्फ या पांडा, आओ पता करते हैं। तुम्हें अपनी गाड़ियों को लेकर जाना है और इनमें से कोई सा भी रास्ता चूज करो। मुझे नहीं पता, सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते करते इस व्हील में जाना है, फिर इनमें से भी कोई रास्ता चूज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी गाड़ी को गोल गोल रानी खेल के जाना है इस पाइप के अंदर। और इस पाइप में जाने के बाद सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते करते और इस खतरनाक से रोड पे यहाँ पर गोल गोल
गोल रानी खेलना है, फिर यहाँ पर आकर फिर से अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गोल गोल रानी खेलते खेलते जो भी इस ब्लू वाले प्लेटफॉर्म तक पहुँचेगा वो ये जीतने वाला है। मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर पहुँच गए तो मैं तुम्हें अपग्रेड करूंगा, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कैसर अभी हमें रेस तो यहाँ पर बता दिए और मेरी रेस इस पांडा के साथ है, मैं तो पक्का जीतने वाला हूँ। क्या पांडू, मैं ये रेस देखना कैसे भी करके जीत के रहूंगा और तेरे जैसे कुत्ते को हरा के रहूंगा। अरे मैं कुत्ता नहीं वुल्फ हूँ वुल्फ। अगर तूने पढ़ाई करी होती तो तुझे पता होता, पर तू एक पांडा है, पर तू एक पांडा है इसलिए तूने आज तक कभी पढ़ाई भी नहीं करी। ए अंकल ज्यादा मत बोलो, मेरी सब पढ़ाई कर रखी है, अभी आप देखते रहो मैं ये चैलेंज कैसे जीत के दिखाता हूँ। तो कैसर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, इस पांडा को या फिर मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो कैसर जितना मैंने सोचा था उससे ये चैलेंज बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें आगे रोड ही नहीं है। ये देखो इसका टायर किसे पीछे जाना है, हमें सारे के सारे बिल्कुल सही रोड चूज करने पड़ेंगे। हा हा हा, तुमको क्या लगा ये चैलेंज इतना इजी होगा, मैंने तुमको बताया नहीं था ताकि तुम में से कोई गिरे, पर तुम तो बच गए। अबे ये पांडा का बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एक बार ये नीचे गिर जाए तो मजा आ जाएगा। अरे तुमको मजा तो सब आएगा ना जब मैं नीचे करूंगा, पर मैं तो नीचे ही नहीं गिरने वाला। अरे हाँ देखते हैं, तो कैसर ये चैलेंज सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये रोड बीच बीच में से गायब होने वाला है। तो कैसर ये चैलेंज सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये रोड बीच बीच में से गायब हो जाता है, तो हमें बिल्कुल ढंग से ध्यान दे के इस चैलेंज को कम्प्लीट करना पड़ेगा। अरे देखो देखो मैंने तो ये चैलेंज कम्प्लीट भी कर दिया। अरे चैलेंज नहीं, तूने अभी अपना सबसे पहला ऑब्स्टेकल कम्प्लीट किया है, इसके बाद पूरा का पूरा चैलेंज अभी बाकी है। तो कैसर पहला ऑब्स्टेकल तो इस पांडा ने कम्प्लीट कर दिया, आपको क्या लगता है क्या ये सारे ऑब्स्टेकल कंप्लीट कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अभी यहाँ पे वापस से रोड चूज करने का ऑप्शन आ चुका है, देखते हैं क्या पांडा सही रोड चूज करेगा। मैं तो बिल्कुल सही रोड चूज करने वाला हूँ, ये देखो मैंने पूरा था ना। और इस पांडा के बच्चे को कैसे पता ये बिल्कुल सही रोड है? अरे मुझे सब पता है, देख लेना मैं तो ये जीतने वाला हूँ। तो कैसर इस रोड पे तो आगे रास्ता ही बंद है, मतलब इसने गलत रोड चूज कर लिया। अरे ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करूंगा चैलेंज कंप्लीट? रुक जाओ अभी ये वाला रोड चूज करके देखते हैं, ये पक्का वही रोड होगा, इसमें मैं आराम से जीत जाऊंगा ये। तो कैसर देखते हैं क्या इधर का रास्ता खुला होगा, और ये क्या ये वाला रास्ता भी नहीं खुला हुआ। अरे ये क्या ये वाला भी नहीं खुला हुआ, तो फिर कौन सा खुला हुआ है? रुक जाओ उस पे जाकर देखते हैं। तो कैसर अभी ये पांडा का बच्चा तो अगले रोड पर भी आ चुका है और ये वाला भी नहीं है। अरे ये क्या, ये तो ये वाला भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, असली रोड कौन सा है पता कैसे चलेगा? बचाओ। और कैसर आप देख सकते हो ये पांडा जा रहा है सीधा नीचे और ये होता है डिस्क्वालीफाई। तो कैसर अभी बारी आ चुकी है मेरी, क्योंकि वो पांडा हो चुका है डिस्क्वालीफाई। तो अब हमें ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बॉलिंग पिंस उड़ा देते हैं और ये तो मेरी गाड़ी के ऊपर गिर रही है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर चलते हैं, पूरा का पूरा रास्ता छानबीन करते हुए यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं, चल के देखते हैं। यहाँ पर अभी हम आ गए, ओह अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं हुआ, आराम से जाते चाहेंगे। नहीं इधर मुझे गलत लग रहा है, मुझे इधर जाना चाहिए। फटाफट से अपनी गाड़ी को मुड़ा लेते हैं, मैं ये चैलेंज कैसे भी करके हारना नहीं चाहता, इसलिए मुझे इसको जीतना पड़ेगा उस पांडा से कैसे भी करके। लेट्स गो, फटाफट से यहाँ पर मुड़ाएंगे। यहाँ से उधर जाने का रास्ता है पर ये बिल्कुल सीधा है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो हमें इस टेढ़े रास्ते से जाना पड़ेगा। तो यार अभी हम इस टेढ़े रास्ते से यहाँ पर आ चुके हैं और गाइज़र फाइनली हमने ये पहला ऑब्स्टेकल जल्दी कंप्लीट कर दिया। उस पांडा के बच्चे ने बहुत टाइम लगाया था पर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। एक सेकंड, ये मुझे गोल गोल चक्कर नहीं काटना, मैं डायरेक्ट इधर से जा सकता हूँ। तो गाइज़र अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट से चलते हैं। पांडा ने यार कौन सा रूट चूज किया था, ये थर्ड वाला चूज किया था, फिर पता नहीं कौन सा था यार, मैं थर्ड वाला चूज नहीं कर सकता, फर्स्ट चूज करें या सेकंड या फोर्थ? रुक जाओ, अक्कर बक्कर बब्बे पो 80 90 पूरे 100 100 में से कितना दागा चो निकल के बागा राजा वेडी सोरे थे फुल की मारा रोल थे अंग मग शाह। और कैसर यहां पर अभी हम जाने वाले अपने फोर्थ
रोड पर, देखते हैं क्या ये रोड सही होने वाला है हमारे लिए या फिर हमने भी गलत रूट चूज कर लिया। लेट्स गो, सामने हमारी दीवार आ चुकी है, क्या ये असली दीवार है या फिर ये पर्दा है अभी हमें पता चलने वाला है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो गुड लक बढ़ता है। और कैसर ये बिल्कुल सही रास्ता था, हमने बिल्कुल सही रास्ता चूज करके हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं, बाकी के चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो जी हाँ, अगर आपने गुड लक वुल्फ कमेंट नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर देना, क्योंकि आपके गुड लक की मदद से ही हम ये चैलेंज जीत पाएंगे। और अभी मेरी गाड़ी के यहाँ पर टुकड़े हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, जब तक हमारी गाड़ी चल रही है हम इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। और फिर से अपनी गाड़ी को खुदा लिया है यहाँ पर, और ये बढ़िया सी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो कैसर अब बारिश के अंदर जाने की, लेट्स गो, फटाफट से सर्कल के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर ये गोल गोल भुलैया आ चुकी है, और बीच बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर तो रोड ही गायब है, तो मुझे इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो फटाफट से फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचा पाए। तो यहाँ से भी चलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे। और ये क्या, मैं नीचे ना गिर जाऊं, बच गया, मुझे लगा था मैं नीचे गिर जाऊंगा, पर अभी हम यहाँ पर बच चुके हैं। और मुझे लगता है मैंने ये स्पाइरल भी गोल गोल वाला कंप्लीट कर दिया। तो फटाफट से यहाँ से जाएंगे और यहाँ से निकल लेते हैं। तो हमारा थर्ड फोर्थ ऑब्स्टेकल जो भी था ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर गाड़ी चेंज करने का ऑप्शन है, तो जल्दी से गाड़ी भी चेंज कर लेते हैं। इस गाड़ी में कौन जाएगा, पूरी की पूरी फर्नीचर हो चुकी है, ये अच्छी है। लेट्स गो, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, बाकी का पूरा चैलेंज कंप्लीट करते हैं। अभी भी बहुत ही बड़ा चैलेंज बाकी है, हमें उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पे अपनी गाड़ी को भगाते हैं, इस खतरनाक सी रेसिंग कार को। मुझे जल्दी से जल्दी अपग्रेड होना है खतरनाक से वुल्फ में, तो इसलिए हमें जल्दी से इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अपनी गाड़ी को हमें टेढ़ा मेढ़ा चलाना है, तो फटाफट से लेकर चलते हैं। और ये देख सकते हो कितनी बढ़िया गाड़ी हम चलाते हुए लेकर जाते जा रहे हैं। और ये क्या, ये तो ये रोड तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अरे आराम से आराम से आराम से, हमें बाहर नहीं निकलना। और गाइस आप देख सकते हो हमने अपना सेकंड लास्ट ऑब्स्टेकल भी क्रॉस कर दिया, इसके बाद सिर्फ एक आखिरी ऑब्स्टेकल बचा है वो सामने हमारे, और उसके बाद हम ये चैलेंज जीत जाएंगे और अपग्रेड हो जाएंगे खतरनाक से वुल्फ में। तो फटाफट से चलते हैं, जल्दी जल्दी इस चैलेंज को फिनिश कर लेते हैं। सामने मुझे फिनिशिंग लाइन दिखने लग चुकी है। तो गाइस आखिरी बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट में गुड लक वुल्फ लिख देना। सामने फिनिशिंग लाइन है, रुक जाओ, इसको क्यों क्रॉस करना, मेरे पास एक और आइडिया है, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को खुदा के सीधा लेकर जाऊंगा और हम ये फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए। और कैसे आप देख सकते हो हमने ये खतरनाक सा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, अब मैं तुम्हें अपग्रेड करने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो? अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी जल्दी अपग्रेड कर दो। तो जल्दी से इस खतरनाक से वुल्फ को खा लो। क्या, ये तो सबसे पहला वुल्फ जो खाया था मैंने वो है। बच्चे ये मेरा वुल्फ है, जादुई वुल्फ। ओके चलो फटाफट से इसको खा लेते हैं। कैसर आप देख सकते हो अब मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक वुल्फ। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी पावर्स तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अभी आप देखो मैंने कितना बड़ा यहाँ से जंप कर लिया। अब सोचो अपनी फैमिली को बचाने के लिए हम कितना बड़ा बड़ा जंप कर सकते हैं। तो आखिरकार मैं एक खतरनाक से वुल्फ में अपग्रेड हो ही गया, अब मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली को बचाने। और इतने बड़े बड़े जंप ये कर रहे हैं तो हमारी फैमिली को तो ये बचा ही लेगा। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं और सबको बचा लेते हैं। मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे। बाय बाय। बाय बाय सोनिक, हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम सबको बचाऊंगा और शादी भी करूंगा। तो कैसर अभी हम फाइनल अपग्रेड कर आ चुके हैं अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए। अभी हम यहाँ पर एक खतरनाक सा जंप करके अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर बचाने वाले। तो लेट्स गो, फटाफट से जंप करते हैं। और इस बार आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, जिसने अभी तक नहीं किया ये आखिरी मौका है, जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हम जाने वाले 3 2 1 लेट्स गो। और कैसर आप देख सकते हो हम सीधा जा रहे हैं और अभी हम यहाँ पर लैंड हो चुके अपनी फैमिली के पास। अरे बेटा तुम आ गए, तुम आ गए, हम
मैं आ गया। और गाइजर यहाँ पर हमें पूरी फैमिली मिल चुकी है, इनको फटाफट से नीचे लेकर चलते हैं। तो गाइजर यहाँ पर हमने सारे लोगों को अपने साथ बिठा लिया है, इनको फटाफट से नीचे लेकर चलते हैं। आराम आराम से, बिल्कुल आराम से जाएंगे। अरे बेटा मुझे तो लगा था हम ही जाएंगे, पर तुमने हमें बचा लिया। ऐसे तो ना मैं वुल्फ की फैमिली को खत्म होने दूंगा, हमने यहाँ पर सबको बचा लिया है। तो गाइजर यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर फाइनली सबको बचा लिया है। सोनी तुमने मुझे बचा लिया, अब तुम शादी कर पाएंगे। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारी शादी में बहुत नाचूंगा। ओ डिंगलिंग लिंगलिंग। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर बचा लिया और मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी है, और हम दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ भी बन चुके हैं। तो गाइजर फटाफट से कमेंट करके बताना ये वुल्फ आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। और गाइजर अगर आपको मेरी शादी में आना है तो फटाफट से कमेंट कर दो, मैरिज इन्विटेशन कार्ड तो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको आना है तो कमेंट कर देना। तो गाइजर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइजर इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वापस जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना, और हम मिलेंगे आपसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।